जिन भी कपल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर मैंने बातें की हैं। वीडियोस आपको काफ़ी आसान लैंग्वेज में मिलेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप चीज़ों को समझिए, टिप्स को फॉलो करिए, और बहुत सारे लोगों ने फॉलो करके कंसीव किया है, आपका भी कंसीव होगा। इसी विश्वास के साथ आप सारे टिप्स को फॉलो करिए, वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए, और जल्दी से जल्दी मुझे गुड न्यूज़ सुनाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे यह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपको मेरे चैनल पे इतना विश्वास आया है, जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको जाड़े के समय में, यानी कि जो विंटर का सीज़न होता है, उस समय एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगी जिसका उपयोग करके बहुत सारे पति पत्नी ने कंसीव किया है। ये जो चीज़ें हैं उसका उपयोग पत्नी भी कर सकती हैं और पति भी कर सकते हैं। उस चीज़ का नाम है डेट, यानी कि खजूर। खजूर को अगर आप नियमित तौर पर लेते हैं, रिकमेंड यही किया जाता है आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से कि आप 2 खजूर पूरे दिन भर में लेते हैं, उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जैसे महिलाओं की अलग सी समस्या देखी जाती है, जैसे जनरली वो एनेमिक होती हैं, उनमें खून की कमी होती है, उनके जो ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर रेगुलर तौर पर अगर वो डेट का इस्तेमाल करती हैं, उससे उनके पूरे ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा बना होता है, और ब्लड का अच्छा फ्लो बनने के कारण जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ तक आपको ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर मिलेगा। तो बहुत सारे चांसेस ये बनते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी भी सुधर सकती है। तो एग की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो जल्दी से जल्दी आपका कंसीव होगा। अब लेना आपको कैसे है, आपको डेट को किस तरह से खाना है, उसकी विधि भी आप सुन लीजिए। आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे 2 खजूर आप दूध के साथ पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि वो उसे पीस कर पीते हैं, स्मूदी बनाकर पीते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो दूध में उसे सोक करके फूलने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसका सेवन करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा, आपको जैसे मन कर रहा है, आप उस तरह से उसका सेवन कर सकते हैं। 2 डेट पति और पत्नी दोनों के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन कॉशन इसमें यह है कि अगर आपको डेट काफ़ी ज़्यादा हीटेड लग रहा है, आपकी बॉडी उसकी हीट को रिजिस्ट नहीं कर पा रही है, तो आप अल्टरनेट डे पे इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। मान लीजिए एक दिन आपने खाया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन खाया, एक दिन छोड़ दिया, या तो आप इसकी क्वांटिटी 2-3 के बदले में 1 कर सकते हैं, उतना भी आपके लिए काफ़ी होता है आपकी बॉडी के हिसाब से। आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा हीटेड है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं खाना है, ओवुलेशन के टाइम पे नहीं खाना है, सब टाइम पे आप खा सकते हैं। इनफैक्ट इम्प्लांटेशन के टाइम पे भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती है जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन ख़राब हो जाए। तो ये बहुत सारे इतने तत्व इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मतलब ये पूरा एनर्जी का पैकेट होता है। अगर आप में स्टेमिना की भी कमी है, आपकी लिबिडो कम हो रही है, तो उसके लिए भी जो मेल के सेल्स हैं उनकी क्वालिटी को भी इन्हेंस करने के लिए ये खजूर और उसके ऊपर से अगर आप मिल्क पीते हैं तो ये सोने में सुहागा वाली काम करती है। तो आपको खजूर के साथ आपको मिल्क ज़रूर लेना चाहिए, इससे आप अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी को महसूस करते हैं। तो इससे आपको कंसीव होने में जल्दी से जल्दी राहत मिलती है। अधिकतर केसेस में ये देखा जाता है कि महिलाएं एनीमिक होती हैं, तो एनीमिया की भी वजह से आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो जिन भी महिलाओं को एनीमिया कहीं ना कहीं है, उनकी अगर नॉर्मल अगर इंडिया की बात की जाए तो महिलाओं में HB की वैल्यू, यानी हीमोग्लोबिन की वैल्यू हमेशा से ही कम रहती है, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी दूर होती हुई सी लगेगी और जल्दी से जल्दी आपको गुड न्यूज़ आएगा। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर ये कन्फ्यूज़न आता है कि इम्प्लांटेशन के दौरान हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कम से कम 8 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती हैं, उसके लिए सेपरेटली आपको एंड स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही होगी, तो क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा कि इम्प्लांटेशन के समय आपको 8 ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो कि आपकी इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती है। लेकिन ये जो खजूर वाला चीज़ है जो मैंने टिप आपको बताई, ये इम्प्लांटेशन के दौरान भी आप 1 से 2 ले सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।